गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू द पोयम माई हेविन कंपोज्ड बाई आर एन टैगोर। स्टूडेंट्स, आर एन टैगोर वॉज बॉर्न एंड न्यूरेटेड इन एनलाइटेंड एंड रिलीजियस फैमिली देवेंद्र नाथ टैगोर के एक धार्मिक और प्रबुद्ध परिवार में 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर जन्मी। रविन्द्रनाथ इनहेरिटेड फेथ इन द रिलीजियस ऑफ वेदास। रविन्द्रनाथ टैगोर वेदों की में अत्यधिक गहरा धार्मिक विश्वास रखते थे। फोल्क सिंगर ऑफ बंगाल के फोल्क सिंगर, पोइट्री ऑफ कबीर का काव्य एंड वर्क ऑफ दांते का कार्य दार्शनिक दांते ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम, उनको अत्यधिक प्रभावित किया। ही वॉज सेंट टू लंदन यूनिवर्सिटी, वह लंदन के विश्वविद्यालय में भेजे गए बट केम बैक विदाउट एनी डिग्री, और बिना कोई डिग्री लिए वहाँ से आए। इन नवंबर 1913 को टैगोर वॉज अवार्डेड, टैगोर को पुरस्कृत किया गया द नोबल प्राइज, साहित्य का सबसे बड़ा एशिया का पुरस्कार नोबेल प्राइज से, फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि के इंग्लिश अनुवाद के लिए। टैगोर वाज ए मिस्टिक रोमांटिक पोइट, टैगोर एक मिस्टिक रोमांटिक रोमांचकारी कवि थे, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ की भांति। हिज पोइट्री इज यूनिवर्सल इन इट्स अपील, उनका काव्य यूनिवर्सल सार्वभौमिक है इन इट्स अपील, उनके अपील में। अबाउट द पोयम, स्टूडेंट यू विल लर्न अबाउट द पोयम, यू मे सी द पिक्चर ऑफ आर एन टैगोर। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। अबाउट द पोयम, My Heaven is a tiny poem of 8 lines. My Heaven 8 line की एक छोटी कविता है, tiny छोटी। The beauty of the poem is that its 7 lines begin with the same word where. कविता की 7 लाइन where word से स्टार्ट है, ये कविता की सुंदरता है। It is a fragment of large poem गीतांजलि। गीतांजलि एक बड़ी पोयम का एक छोटा सा फ्रेगमेंट मीन्स पार्ट भाग है। लॉफ्टी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द पोयम। लॉफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की गहरी भावना इस कविता में प्रस्तुत की गई है। द नरेटर एक्सप्रेस हिज लव, नरेटर कहानी बताने वाले ने हिज लव अपने प्रेम को एक्सप्रेस प्रस्तुत किया है फॉर इंडिया, मदर इंडिया मातृभूमि के लिए। ही विजुलाइज कंट्री वेयर पीपल्स माइंड आर फ्री फ्रॉम द नैरो माइंडेडनेस, और वो दिखाते हैं, विजुलाइज करते हैं कि मेरा देश भारत ऐसा हो जहाँ पर लोग नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण मानसिकता से मुक्त हों। गॉड में सोअर ग्रेस, इस पर कृपा करे टू मेक कंट्री, भारत को बनाने में हेवन स्वर्ग ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, और वो प्रे करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनके देश को इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा बनाए। स्टूडेंट फर्स्ट स्टिंजा ऑफ द पोयम, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। वेयर, जहाँ पर द पोइट आर एन टैगोर प्रेज टू गॉड, माई कंट्री विल बी ए प्लेस वेयर माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर लोगों के मन में कोई डर न हो। द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ पर लोगों के मस्तिष्क गर्व से ऊँचे हों। दे हैव सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, मेरा देश
एक ऐसा स्थान हो जहाँ पर नॉलेज ज्ञान इज फ्री मुक्त हो, नॉलेज इज प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट एनी फेवर कास्ट रेस एंड रिलीजन, वेयर द वर्ल्ड हैज बीन ब्रोकन अप इंटू द फ्रेगमेंट, जहाँ पर संसार को तोड़ा न जाए इंटू फ्रेगमेंट टुकड़ों पर, किसके आधार पर, बाई नैरो डोमेस्टिक बाल, नैरो डोमेस्टिक बाल जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, जहाँ पर आंतरिक विभाजन ना किया जाए, माई कंट्री विल बी ए प्लेस वेयर पीपल विल नॉट बी डिवाइडेड ऑन रेस कास्ट एंड रिलीजन, वेयर द वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, द पीपल ऑफ माई कंट्री विल बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, दे विल रेस्पेक्ट देयर करेक्टर। स्टंजा टू, वेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेच इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, वेयर जहाँ पर टायरलेस लगातार स्ट्राइविंग संघर्ष करती हुई स्ट्रेच फैलाती हुई इट्स आर्म भुजाएं टूवर्ड्स द परफेक्शन, मेरा देश ऐसे हो जहाँ पर लोग बिना थके लगातार संघर्ष करते हुए अपने जीवन की संपूर्णता प्राप्त करते हुए प्रोग्रेस करें आगे बढ़ें, वेयर द स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि स्ट्रीम को सजीव मान लिया गया है, यहाँ पर पर्सनिफिकेशन अलंकार है, जहाँ पर लोगों के रीजन तर्कों में तर्क उनके अपने रास्ते को अपने डेस्टिनेशन को ना भूलें, इनटू द डेड रिच डिजर्ट सैंड ऑफ डेड ऑफ हैबिट, जहाँ पर लोगों की आदतों में और उनके कार्यों में कोई भी रुकावट ना हो, अर्थात दे विल प्रोग्रेस कंटिन्यूसली डूइंग देयर वर्क, वेयर द माइंड इज हेल्ड टू फॉरवर्ड बाई द एवर वाइंडनिंग, जहाँ पर लोगों के हृदय वाइंडनिंग विस्तार हो, जहाँ पर लोग इस संसार को वसुधैव कुटुंबकम माने, थॉट्स एंड एक्शन जो विचारशील हों, मनन चिंतन करते हों, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम ऐसी आज़ादी भरा स्वर्ग, माई फादर परमपिता परमेश्वर लेट माई कंट्री अवॉक, मेरे देश को इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा बनाओ, माई फादर लेट मी, एड्रेसिंग किया गया है एपोस्ट्रोफी अलंकार। स्टूडेंट आई होप यू विल बी अंडरस्टूड वाई दिस पोएम, थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।